नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं लीडिंग बिजनेसमैन हैं, कुरंगी एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट हैं दानिश खान। दानिश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। जी, नहीं, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? आप सबसे पहले तो ये बताएं, आपसे हम बिजनेस पे भी बात करेंगे कि आपने अभी रिसेंटली कोरोना वायरस डिजीज को फेस किया है, तो ये आपको कोरोना कैसे हुआ और आपने इसमें कैसे सफर किया और इससे आप माशाल्लाह बाहर कैसे आए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबको सबको सलाम पेश करता हूं। एक्चुअली आई ट्रैवल्ड इन मार्च, यू नो, बिकॉज़ आई एम बिजनेस है, मेरा स्कूल काम है, तो मैं साल में 3 या 7 दफा ट्रैवल करता हूं यूरोप में। क्या आपको पता है यूरोप में यहां पे अभी भी रिलक्टेंट है टू कम टू पाकिस्तान, यू हैव टू गो एंड विजिट देम। तो 9 से 10 मार्च ट्रैवल किया था मैं वहां पे, और मैं 16 मार्च को वापस आ गया वहां पे, लॉकडाउन शुरू हो चुका था यहाँ पे, और पाकिस्तान में भी बात करते थे कि रिपोर्ट बंद कर देंगे। तो वहां पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं किसी से मैंने हाथ मिलाया हो या वहां पे ऐसा नहीं था कि मैंने किसी से हाथ हैंड शेक किया हो और मैंने किसी को गले मिला हो, मगर वहां पे भी डिस्टेंस से बात की। मेरा जो ख्याल था वो, क्योंकि वो जो ट्रैवलिंग है आपकी 7 घंटे की जहाज के अंदर, राइट सर, वहां पे शायद क्योंकि एसी चलता है, आपको पता है 300 साढ़े 300 पैसेंजर होते हैं, अब कौन कोई खास रहा है, एक 3 या 4 टॉयलेट होते हैं, हर आदमी को टॉयलेट इस्तेमाल करता है। मोर एंड लेस व्हाट माय फीलिंग्स एंड बिलीव इज कि वो जहाज, दैट इज द रीजन कि सारे एविएशन इंडस्ट्री ने सारे जहाज की ट्रैवलिंग बंद कर दी है, नहीं तो अगर वो ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री बंद नहीं होती, जहाज बंद नहीं होते, तो वो 7.4 बिलियन की पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, अभी तक तो 2.5 बिलियन को हो चुका होता अभी तक कोविड। बिल्कुल सही, जहाज बंद नहीं होते। अच्छा सर, आप एक बात बताएं कि आपको पहले सबसे पहले क्या सिम्टम्स पेश आए जिसकी वजह से आप गए और आपने टेस्ट कराया तो आपको पॉजिटिव आया? मैं 16 को ऑफिस आया हूँ, 18 को मुझे थोड़ी सी हल्की सी बुखार हुआ मुझे, ना मतलब 100 और 100, मैंने कहा यार ये मौसमी बुखार हो गया है, ठीक है, मैंने बुखार को, मैंने बुखार था, मैंने 2 पैनाडोल ले लिए मैंने, तो ठीक हो गया, उतर गया। सेकेंड डे मुझे दोबारा बुखार हुआ और थोड़ा सा जिस्म में दर्द भी हुआ, तो जब दर्द हुआ तो वो कोविड वालों का बार बार मैसेज आ रहा था कि अगर आपको बुखार हो और आपको नजला हो, नजला और खांसी नहीं थी मुझे, अल्लाह का शुक्र था, मगर वो जिस्म में जब दर्द हुआ और बुखार हुआ तो आई कॉल डॉक्टर बारी, इंडस्ट्री के जो डॉक्टर बारी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पता है इतना नेकी का काम कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो डॉक्टर बारी को बताया मैंने, डॉक्टर बारी ने कहा कि अच्छा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा टेस्ट कर देता हूँ। वो आज चला गया, उन्होंने अपने दफ्तर में एक बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा दानिश साहब का जो है टेस्ट करा लें, तो मुझे डॉक्टर बारी ने कहा कि अगर 24 घंटे में या 36 घंटे में तुम्हारा फोन आ गया तो तुम पॉजिटिव हो, अगर नहीं आया तो सब यूर नेगेटिव। तो यार 24 घंटे गुजर गए, 25 घंटे गुजर गए, 30 घंटे, 50 घंटे बाद मुझे रात को 1:30 बजे फोन आता है, वो 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को, तो मैं समझ गया, उन्होंने कहा कि सर आप पॉजिटिव हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, परेशानी की बात नहीं है, आप अपने आप को लॉकडाउन में चले जाएं, आप एकदम घर में, आपका अगर घर, अल्लाह का शुक्र है घर बड़ा है, कहते हैं कि जहाँ पे खिड़की में, जहाँ खिड़की हो, जहाँ हवा आती हो, जहाँ धूप आती हो, अपने आपको बंद कर लें एकदम, उसको एकदम टोटल लॉकडाउन कर लें, बाहर ना बाहर जाए, ना किसी को अंदर आने दें, आपके कपड़े, आपके बर्तन, सब चीज हमें चाहिए। वो कुक हमेशा जो है वो नॉक करके दे देता था खाना, 14 दिन तक, 5-6 दिन तक बुखार रहा थोड़ा सा, जिसम में दर्द था, वो पैनाडोल खाया, हमारे कुछ दोस्तों ने हमें एडवाइस किया था, कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे, मेरी फैमिली में भी डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि यार वो क्लोरोक्वीन और एंटीबायोटिक ले लेना एजोमैक्स, वो क्योंकि इवेंचुअली जो है कोविड है ना वो लंग्स को हिट करता है, वो तो उन्होंने प्रिकॉशनली मुझे जो है वो थोड़ा सा क्लोरोक्वीन जो है, मैं क्लोरोक्वीन ले लिया था 2 या 3 दिन, और 5 दिन तक मैंने एंटीबायोटिक लिया था, उससे मैंने अपने आपको लंग्स को प्रोटेक्ट कर लिया था मैंने। अच्छा माशाल्लाह, तो अभी अभी दानिश भाई आप बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 14 थोड़ा सा खांसी वासी स्टार्ट हो गई थी मुझे 7-8 दिन बाद, उससे मैंने स्टीम लिया था और नेबुलाइज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन बाद मैंने टेस्ट कराया, 15 दिन बाद तो सेकंड टेस्ट नेगेटिव आया, उसके 4 दिन बाद एक और टेस्ट कराना पड़ता है, तो वो थर्ड टेस्ट में भी नेगेटिव आया, 1 हफ्ते पहले लास्ट वीक जाके मैंने अपना वो एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया था, उसमें मेरा माशाल्लाह मेरा वो जो वो फिगर। अच्छा सर, मैं अभी अभी आपसे थोड़ा सा प्रोफेशन पे आऊंगा, आप कुरंगी एसोसिएशन पाकिस्तान की एक बहुत बड़े इदारे के आप फार्मर प्रेसिडेंट भी थे, आपकी बड़ी वहाँ पे इस वक्त भी से है, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा परेशान है, वो समझ रहे हैं कि शायद सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ डेलिब्रेटली ये चीजें कर रही है और बिजनेस खोलने नहीं दे रही है, तो इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हमारे मुल्क के लिए फिजिबल भी है? यार फिजिबल, देखिए बात सुने, फिजिबल तो नहीं है, अगर आप मुझसे पूछे एज ए बिजनेसमैन फिजिबल तो नहीं, मगर चारा किया है, देखिए जहां जहां देखिए आप चाइना में वुहान में हुआ तो वुहान ने फौरन 1 या 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन कर दिया, इटली ने, यूरोप ने इसको मजाक समझा, यूरोप ने इसको बड़ा इजी किया, और यूरोप देखे इटली का हाल क्या हुआ आपके सामने, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी का, दे वेंट कंप्लीटली ऑन लॉकडाउन, टू लॉकडाउन,
हम पाकिस्तान क्रिकेट को अमीर मुल्क, अमेरिका भी देख लीजिए, अमेरिका में भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो अभी भी लॉकडाउन पे है, फ्रांस ने अभी तक 10 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, इंग्लैंड ने जो है यूनाइटेड किंगडम ने 7 मई तक, जर्मनी कह के नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा खुलेंगे, अब ये कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं जाते तो ये आप समझते कि डेथ की रेशियो बहुत बढ़ चुका होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप क्या कमेंट दूँ, हमारे मुल्क को आपको पता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में है और हमारे पास कर्जा इतना ज्यादा है और हमारे पास डेली वेजेस वाले बहुत ज्यादा बनते हैं। और दानिश भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अल्लाह आपको सेहत दे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच सर।